अब देखिए जरा प्लीज, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा मॉडल यूज करेंगे बताओ? एग्जैक्ट मॉडल, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते थे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमने ऐसा बोला था कि शंट इफेक्ट ऑफ शंट एडमिटेंस या शंट इंपेडेंस इज नेग्लेक्टेड, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। यहाँ पर ना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना ही अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। यहाँ पर तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली कंसिडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो होगी कैलकुलेशन वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम करेंगे। देखिए देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से आपके पास वोल्टेज है वी एस, करंट है आई एस, और यहाँ पे वोल्टेज है वी आर, करंट क्या होगी आई आर। यहाँ से मान लो 100 वोल्ट भेजा आपने, तो धीरे धीरे रिसीविंग एंड पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर वोल्टेज घटेगा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर, हमारे पास नॉर्मली वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस आपके पास है एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, या फिर ये मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे हमने वोल्टेज मान लिया वी, ठीक है, और करंट मान ली आई, ठीक है। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो वोल्टेज और बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इधर अगर मैं ले आऊंगा जैसे ऐसे समझिए, एक एलिमेंट लगा देता हूं मैं, एक तो लगा देता हूं जेड डी एक्स, छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं, ठीक है, जेड डी एक्स, और एक लगा देता हूं मैं वाई डी एक्स पैरेलल में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा, वी प्लस डी वी, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डी वी मान लेता हूं मैं, तो वी प्लस डी वी, और यहां से करंट मान लो जाती है डी आई, तो क्या हो जाएगा, यहां से करंट कौन सी जाएगी आई प्लस डी आई, तो डी वी की वैल्यू क्या होगी आई प्लस डी आई इंटू जेड डी एक्स, और वी की वैल्यू क्या होगी डी आई इंटू वाई डी एक्स, यही हो जाएगा। तो देखो जरा प्लीज, लेट कि डी वी क्या हो जाएगा बताओ, आई प्लस डी आई इंटू जेड डी एक्स। Assume that di is very small. Di is very small. तो क्या हो जाएगा dv approximately zi dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो dv by dx क्या हो जाएगा बताओ, zi। इसको equation first लिख देते हैं। उसी तरह di equal to बताओ vy into क्या हो जाएगा dx, di by dx क्या आ जाएगा बताओ vy, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं आई निकालना चाहूं तो क्या होगा बताओ, यहां से आई निकालना चाहूं ना, आई निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन जेड डीवी बाई डी एक्स, या फिर अपन क्या करें इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू जेड डी आई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर जेड डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है वी वाई, ये रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वी वाई जेड, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जेड, मतलब गामा एक कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, या गामा स्क्वायर वी, गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वाई इंटू जेड, ये मैं एक कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ। इसको हम गामा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वाई इंटू जेड का प्रोडक्ट या जेड इंटू वाई का प्रोडक्ट, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट जेड भाई, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी अज्यूम कर लीजिए ये कांस्टेंट है हमारे पास। तो आपने कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की होगी डबल डेरिवेटिव की, तो उसमें कितने कोफिशिएंट आएंगे, दो कोफिशिएंट आएंगे सी वन सी टू। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वन ई की पावर गामा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस गामा एक्स, ऐसा आएगा। अब आई निकालते हैं वापस,
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड डी वी बाई डी एक्स, वन अपॉन जेड डी बाई डी एक्स। वी की वैल्यू क्या आई है, सी वन ए की पावर गामा एक्स प्लस सी टू ई की पावर गामा एक्स। एक्चुअली हम क्या पता करना चाहते हैं, इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता करना चाहते हैं। सी वन सी टू दो कॉन्स्टेंट रहता है, दो इक्वेशन तो चाहिए होगी, तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, दूसरी इक्वेशन अपन किसकी बना देते हैं, आई वाली, ठीक है हमारे पास है ना। ये तो किसकी इक्वेशन थी हमारे पास, वोल्टेज की इक्वेशन इक्वल टू जीरो नहीं, ये वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, वी इक्वल टू सी वन ए की पावर गामा एक्स प्लस सी टू। तो ये हो जाएगा वन अपॉन जेड, क्या हो जाएगा बताओ, गामा बार आ जाएगा, गामा अपॉन जेड सी वन ई की पावर गामा एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस गामा एक्स, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कॉन्स्टेंट कंसिडर कर देता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा आ गया, गामा की वैल्यू बोलोगे प्लीज क्या है, रूट जेड वाई अपॉन जेड सी वन ई की पावर गामा एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस गामा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाई बाई जेड सी वन ई की पावर गामा एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ वन अपॉन जेड नॉट, एक कॉन्स्टेंट लिख दिया मैंने जेड नॉट, तो जेड नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वन अपॉन जेड नॉट उसको लगा तो रूट जेड वाई वाई, तो रूट जेड इंटू वाई का प्रोडक्ट है वो गामा है, और रूट जेड और वाई का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या रहेगा, जेड नॉट रहेगा। तो इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, सी वन अपॉन जेड नॉट ए की पावर गामा एक्स, या फिर जेड नॉट को बाहर ही रखो, सी वन ए की पावर गामा एक्स माइनस सी टू ए की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास V और I की इक्वेशन आ गई है ना, अब मुझे एक बात बताओ, इफ x इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन है हमारे पास, पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन ले लूं, मुझे C1 C2 की वैल्यू पता करनी है, तो कहाँ मिलेगी, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो करूंगा तो V कितना होगा, VR, और I कितना होगा, IR, एट x इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू वी आर, मतलब V इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू, और इसका क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू वन अपॉन जेड नॉट सी वन माइनस सी टू। तो जेड नॉट को इधर भेज देता हूँ, दो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड करोगे तो सी वन आ जाएगा, सी वन कितना आ जाएगा, वी आर प्लस जेड नॉट आई आर बाई टू, और C2 आ जाएगा VR आर माइनस जेड नॉट आई आर बाई टू आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या। तो अब हम C1 C2 की वैल्यू वापस कहाँ रखेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन, यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन देखिएगा, वोल्टेज की इक्वेशन कितनी है, C1 e की पावर गामा x प्लस C2 e की पावर माइनस गामा x, वैल्यू बोलेंगे प्लीज, VR आर प्लस जेड नॉट आई आर आई आर बाई टू e की पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस जेड नॉट आई आर टून टू e की पावर माइनस गामा एक्स। अब आपको क्या चाहिए, कौन सी इक्वेशन चाहिए बताओ, ए वी आर प्लस वी आई आर चाहिए, तो वी आर की टर्म अलग करनी पड़ेगी और आई आर की टर्म आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग करनी पड़ेगी। तो वी आर की टर्म अलग करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, e की पावर गामा एक्स प्लस e की पावर माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई टू, और इधर हो जाएगा जेड नॉट आई आर ए की पावर गामा एक्स माइनस ए की पावर माइनस डिवाइड बाई टू, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई माइनस थीटा अपॉन टू कॉस, लेकिन वो तो आयोटा की टर्म में होता है, ई की पावर आयोटा थीटा, हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है, वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स, ठीक है, प्लस जेड नॉट आई आर साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू पूरी एल कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं, लेंथ ऑफ लाइन, एक्स को और बढ़ा देते हैं, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस एट एक्स इक्वल टू एल, वी इक्वल टू हो जाएगा वी एस,
तो हमें तो वी एक्स की इक्वेशन ही चाहिए, वी एस की इक्वेशन ही चाहिए, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल कर देंगे प्लस जेड नॉट आई आर साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ए क्या आया बताओ, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, और बी क्या आया साइन हाइपरबोलिक। उसी तरह वापस ये सी वन सी टू की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, आई की इक्वेशन में, वहां पर आई की इक्वेशन में रखोगे तो वहां पर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सी और डी की वैल्यू मिलेगी। समझ गए ना, करिए जरा प्लीज, सी वन सी टू की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख दीजिएगा प्लीज, आई आर प्लस वी आर बाई जेड नॉट बाई टू ए की पावर गामा एक्स प्लस आई आर माइनस वी आर बाई जेड नॉट बाई टू ए की पावर माइनस का। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, वी आर और आई आर को बताओ, वी आर और आई आर को, वी आर को अलग करोगे क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड नॉट हो जाएगा ना, वी आर बाई जेड नॉट ए की पावर गामा एक्स माइनस गामा एक्स डिवाइड बाय टू प्लस नहीं नहीं आई आर ही रहेगा, आई आर ए की पावर गामा एक्स प्लस ई की पावर माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, वी आर बाई जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। तो वापस क्या करें बताओ, एक्स इक्वल टू कितना कर ले एल, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस आ जाएगा, एट एक्स इक्वल टू एल आई इक्वल टू आई एस 1 अपॉन वी आर 1 अपॉन जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एल वी आर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा एल आई आर। तो यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन करोगे फाइनली, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें ए बी सी डी पैरामीटर क्या निकलेंगे, ए और डी इक्वल आएंगे कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, बी आ जाएगा जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एल, और सी क्या आ जाएगा वन अपॉन जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक, लिख दिया क्या, नेक्स्ट लिखो प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट किसका बताया था, रूट ऑफ जेड एंड वाई। अब देखो जरा प्लीज, जेड की वैल्यू क्या थी बताओ, आर प्लस जे ओमेगा, और इसकी क्या थी बताओ, जे ओमेगा सी, वाई की तो जे ओमेगा सी। तो कुल मिला के बात करो कि इसको जब सॉल्व करोगे तो एक रियल पार्ट आएगा, एक क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। जो रियल पार्ट आता है उसको अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं,
ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेज कॉन्स्टेंट बीटा, ये रहेगा हमारे पास फेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, ये तो हो गया हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं ट्रेवलिंग वेव कंसेप्ट। ट्रेवलिंग वेव क्या होती है? ये ऐसे बोलती है कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वोल्टेज की, वो क्या आई थी, सी वन ई की पावर गामा एक्स प्लस सी टू ई की पावर गामा एक्स। तो हमने गामा की वैल्यू यहाँ रखते हैं अगर मान लो, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म के दो कंपोनेंट है, एक वी वन कंपोनेंट है, एक हमारे पास कैसा कंपोनेंट है, वी टू कंपोनेंट है। ठीक है, वी वन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या है, वी आर प्लस जेड नॉट आई आर बाई टू ए की पावर गामा एक्स। गामा की वैल्यू रखेंगे प्लीज, वी आर प्लस जेड नॉट आई आर बाई टू ए की पावर अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा इंटू एक्स, वी आर प्लस जेड नॉट आई आर बाई टू क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर जे बीटा एक्स। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ई की पावर आइटा थीटा ये तो क्या शो करता है, एंगल शो करता है, मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा, मोड ऑफ वी आर इक्वल टू वी आर प्लस जेड नॉट आई आर बाई टू इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, और एंगल क्या शो करेगा, बीटा एक्स। ये आ जाएगा, जे तो हट जाता है, एक बार आइटा थीटा तो बीटा एक्स आ जाएगा। तो एक बात बताओ जरा प्लीज, जैसे जैसे हमारे पास एक्स चेंज होगा, क्या एंगल चेंज होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि बीटा की यूनिट होगी रेडियन पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर। एक्स क्या है, लेंथ है, और ट्रांसमिशन लाइन की यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर। क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियन में एंगल किस में आ जाएगा, रेडियन में। इसका मतलब एक्स चेंज होने पर एंगल चेंज होगा, एक्स चेंज होने पर हमारे पास वी वन चेंज होगा क्या, वी वन भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो जरा प्लीज, एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बताना कि हमारे पास एक्स किधर बढ़ रहा था, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ था और एक्स इक्वल टू एल यहाँ है, तो हमारे पास एक्स किधर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, किधर से बढ़ेगी, इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ, रिसीविंग से सेंडिंग पे। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये हमारे पास क्या था, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो वेव किधर ट्रेवल करेगी रियलिटी में बताओ मुझे, सेंडिंग से रिसीविंग की ओर, रिसीविंग से सेंडिंग की ओर, हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड की ओर। तो हमारे पास वेव ट्रेवल करेगी किधर, हायर से लोअर की ओर, मतलब वेव फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है, सेंडिंग से रिसीविंग की ओर। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। क्या बोलेंगे, ट्रेवलिंग वेव। अब मुझे सेकंड कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट के बारे में बोलो, वी टू के बारे में। यहाँ क्या चेंज आएगा बताओ, माइनस अल्फा एक्स माइनस जे बीटा एक्स। अब मुझे बताओ इसका जस्ट उल्टा बनेगा, वो कैसे बनेगी बताओ, वो हमारे पास क्या होगी, एक्स बढ़ने पर डिक्रीज होगी। तो वो वेवफॉर्म किधर ट्रेवल करेगी बताओ, रिवर्स से सेंडिंग की ओर। तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें ऐसा बोलता है कि किसी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास जो वोल्टेज का कंपोनेंट होगा, उस वेव में हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव का कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास किसका होगा, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव का। लिखो, चलो देखो जरा प्लीज फटाफट, और भी कंसेप्ट है हमारे पास इसमें, देखिए जरा नेक्स्ट लिखो, वेव लेंथ। वेव लेंथ में देखिए, वेव लेंथ क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ। एक वेव की लेंथ देखिए जरा प्लीज, इधर देखो, जैसे मान लीजिए कोई वेव ट्रेवल करती है, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, तो एंगल कितना रहेगा, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी होगा, जीरो डिग्री। तो रिसीविंग एंड पे हम वोल्टेज एंगल कितना मानेंगे, जीरो डिग्री। लेकिन जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, हालांकि यूनिट क्या होगी, रेडियन, रेडियन होगी, रेडियन पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर।
तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो वैसे वैसे मान लो यहाँ पर 10 डिग्री हो गया, है ना, या फिर ऐसे समझ लो पाई बाई फोर हो गया, यहाँ तक पहुँचे पाई बाई टू हो गया, फिर हमारे पास बढ़ते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जब हमारे पास 0 डिग्री से स्टार्ट होके वापस कितना हो जाए, वापस 0 डिग्री आ जाए, या फिर कितना हो जाए एंगल, 2 पाई हो जाए, 360 डिग्री को क्या बोलोगे, वापस एक वेव का एक पूरा एंगल साइकिल का कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये होगी कि ये जो लेंथ होगी उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बीटा इंटू लैम्डा कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो बीटा इंटू लैम्डा क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो वेवलेंथ ये होती है द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच फेज चेंज ऑफ 2 पाई टेक्स प्लेस, कितना फेज चेंज हो जाता है, 2 पाई का। तो उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू लैम्डा, एट लेंथ एक्स इक्वल टू लैम्डा हमारे पास फेज चेंज हो जाएगा 2 पाई। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, या सॉरी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन बीटा। चलो एक बार प्रोपेगेशन वाला कांस्टेंट वापस देखते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या आया था बताओ, गामा इक्वल टू रूट जेड वाई, जेड वाई जेड की वैल्यू क्या थी बताओ, आर प्लस जे ओमेगा एल, और इसकी क्या थी, प्लस जे ओमेगा सी। फॉर ए लॉसलेस लाइन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। आई एम कंसिडरिंग दैट कि फॉर ए लॉसलेस लाइन, लॉसलेस लाइन कंसिडर करता हूँ, रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, रूट जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी, क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल रूट एल सी हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस जे ओमेगा रूट एल सी लिख सकता हूँ क्या, तो अल्फा प्लस जी बीटा, अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, 0। एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, 0, और बीटा हो जाएगा हमारे पास ओमेगा रूट एल सी, ये आ जाएगा। तो अब देखो जरा प्लीज, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू रख दे ओमेगा रूट एल सी। एक बात बताओ, 2 पाई बाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई बाई ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन एफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इंटू रूट एल सी। 1 अपॉन रूट एल सी जो होती है ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हाँ कितना होता है, 3 × 10⁸। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वी सी बाई एफ कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाई फ्रिक्वेंसी। तो ये वेव लेंथ हो जाएगी हमारे पास। तो वेव लेंथ निकालना ईजी है हमारे पास, कैसे निकालोगे, 3 × अगर आप ये मीटर में लेते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लेते हो, तो जो लेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। और अगर किलोमीटर में कंसीडर करते हो तो 3 × 10⁸ लिखो, 5 लिखोगे तो किस में आ जाएगी लेंथ, किलोमीटर में आ जाएगी। लिखो जरा प्लीज, तो इसको कैसे लिखोगे, वेव लेंथ, द लेंथ लिख दीजिए प्लीज, द लेंथ पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग टू विच corresponding to which phase change of 2 pi takes place, ठीक है। फोर्थ हमारे पास रहेगा ट्यून लाइन कंसेप्ट। अब एक बात देखिए जरा प्लीज, अगर मान लीजिए इधर देखिए, अगर मान लीजिए कि बीटा एल को बढ़ाते बढ़ाते हमने एन पाई कर दिया, इफ अगर ट्यून लाइन में क्या होता है, इफ बीटा एल कंसिडर इज एन पाई, ठीक है। तो एक बात बताइए जरा, याद है क्या आपको बी एस की इक्वेशन, ए बी आर, ए की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड नॉट आई आर साइन हाइपरबोलिक गामा एल आईआर, और आईएस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, अब 1 अपॉन जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एल वीआर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा एल आईआर। अब बीटा लॉसलेस लाइन कंसीडर करते हैं, लॉसलेस लाइन कंसीडर करेंगे, फॉर ए लॉसलेस लाइन, लॉसलेस लाइन में क्या होता है बताओ, तो गामा इक्वल टू क्या आता था, 0 प्लस जी बीटा,
ऐसा लिखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो cos हाइपर ए इक्वल टू डी है, cos हाइपरबोलिक गामा एल, उसमें गामा की जगह क्या रख दोगे बताओ, जे बीटा, cos जे बीटा इंटू एल। cos आयोटा थीटा जो होता है, आयोटा ऐसे लिख दोगे, जे हाइपरबोलिक था ना, cos हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक आयोटा या जे बीटा एल, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जे cos बीटा एल। क्या आ जाएगा? जे cos बीटा एल। उसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो हाँ, जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एल, इसमें गामा एल की, गामा की जगह रख दोगे जे बीटा, साइन हाइपरबोलिक, गामा की जगह जे बीटा रख दोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए कोई बात नहीं। आपको क्या रखना है, बीटा एल की जगह कितना रखना है, एन पाई रखना है। अगर बीटा एल की जगह एन पाई रख दिया, कॉस बीटा एल में कॉस एन पाई रख दिया, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, कॉस एन पाई की वैल्यू -1, -1 +1, ऐसा आता रहेगा ना, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, और साइन बीटा एल साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0 होगी। तो साइन वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये +-1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-VR, वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-VR, और आई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-IR। तो मॉड ऑफ वी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वी आर, और मॉड ऑफ आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई आर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस लाइन में लॉसलेस लाइन है, तो इस लाइन में कोई ड्रॉप होगा ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, जितना वोल्टेज भेजोगे, 100 वोल्ट भेजोगे तो 100 वोल्ट ही मिलेगा, 1000 वोल्ट भेजोगे तो 1000 वोल्ट ही मिलेगा। अगर बीटा एल को किसके बराबर कर दिया जाए, एन के बराबर, एन पाई के बराबर कर दे, तो ट्यून लाइन कैसे डिजाइन करेंगे, क्या डिजाइन करना पड़ेगा, बीटा एल कितना होना चाहिए, एन पाई के बराबर होना चाहिए। तो बीटा एल मतलब एन पाई के बराबर होना चाहिए, तो एल कितना होना चाहिए, एन पाई बाई बीटा। तो यहां पर एन बाई टू इंटू टू पाई बाई बीटा ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा क्या, है ना, टू, तो क्या हो जाएगा, एन लेमडा बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, वीसी बाई एफ अभी आया था, ठीक है। इंडिया में हमारे पास एन बाई टू, इंडिया में फ्रिक्वेंस 3 × 10⁻², ये हमारे पास 5 कर दो किलोमीटर में, ठीक है। तो ये 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6000, थ्री हंड्रेड इंटू 10⁻³ लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 6000, मतलब 3000 इंटू एन, ठीक है, 3000 एन आ जाएगा। तो मतलब इस लेंथ पे एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाओगे, तो लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, 3000 किलोमीटर, फिर कितनी आ जाएगी, 6000 किलोमीटर, फिर कितनी आ जाएगी, 9000 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि पावर लाइन में हमारे पास अगर 3000 किलोमीटर की लाइन बिछा दोगे तो वहां पे कोई लॉस नहीं होगा, वो किसकी तरह काम करेगी, शॉर्ट सर्किट लाइन की तरह काम करेगी, ये ऐसा बोलना चाहता है। मतलब जितना वोल्टेज भेजोगे उतना ही हमें क्या रिसीव हो जाएगा। तो इस लाइन के कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ट्यून लाइन कंसेप्ट या शॉर्ट सर्किट लाइन बोलते हैं। लेकिन ये हमें किस में एडवांटेज रखता है, 3000 किलोमीटर तो इंडिया से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एरिया भी शायद है, ठीक है ना, 3000 किलोमीटर लगभग। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन बिछा दो, या फिर टेढ़ी मेढ़ी ले जाओ इधर उधर करके 3000 किलोमीटर, क्योंकि आपको अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए तो इससे कैपिटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर कम्युनिकेशन लाइन में इसका एडवांटेज मिलता है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई हो जाती है। अगर मान लो 50 हर्ट्ज की जगह 5000 भी होगी या 5 किलो हर्ट्ज भी होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा,
छह किलोमीटर हो जाएगा, 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की तो लाइन बिछाई सकते हो आप कम्युनिकेशन लाइन में। तो जो सिग्नल यहाँ से बोलोगे वही सिग्नल हमारे पास बिना ड्रॉप के साथ रिसीव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट, ट्यून लाइन का कंसेप्ट किस में यूज किया जाता है? कम्युनिकेशन लाइन, पावर लाइन में नहीं यूज। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सर्ज इम्पीडेंस। सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा देखिए जरा, सर्ज इम्पीडेंस हमने जेड नॉट से शो किया था। जेड नॉट क्या आया था हमारे पास? जेड अपॉन वाई। एक बात बताओ, जैसे लेंथ ऑफ लाइन बढ़ती है वैसे हमारे पास क्या होता है? Z टोटल अपॉन Y टोटल हो जाएगा। तो Z टोटल क्या होगा? Z इंटू L, और Y टोटल क्या होगा? Y इंटू L, क्योंकि लेंथ के साथ एडमिटेंस भी बढ़ता है, एडमिटेंस पैरेलल में लगेगा और इम्पिडेंस सीरीज में लगेगा, तो दोनों लेंथ ऑफ लाइन के साथ बढ़ते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आएगा तो वापस क्या है? रूट Z अपॉन Y। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बोलूं कि 300 किलोमीटर की एक लाइन है उसका सर्ज इम्पिडेंस 100 ओम है, तो 600 किलोमीटर की लाइन है वही सेम है ना, तो वहां पर हमारे पास सर्ज इम्पीडेंस कितना रहेगा उसी लाइन का? 100 ओम ही रहेगा। दैट मीन्स सर्ज इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ लाइन। सर्ज इम्पीडेंस डज नॉट, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आईएएस ऑब्जेक्टिव ऐसे सी जेई, सर्ज इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए जरा प्लीज, फॉर ए लॉसलेस लाइन, अब लॉसलेस लाइन कंसीडर करते हैं। फॉर ए लॉसलेस लाइन क्या होगा? आर कितना होगा? जीरो। तो जेड नॉट निकालोगे, कैसे निकालोगे? रूट जेड बाई वाई। जेड की वैल्यू क्या है? आर प्लस जी ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है? जी ओमेगा सी। तो R तो जीरो है, क्या हो जाएगा? जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट एल बाई सी। तो जेड नॉट जो होता है उसमें हमारे पास आर नॉट प्लस जे एक्स नॉट होता है, ये रियल पार्ट होता है, ये कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट रह गया बताओ? नहीं, इमेजिनरी क्या, जे ओमेगा जे ओमेगा केवल रियल पार्ट रह गया। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जो रियल पार्ट बच जाता है इसको क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। कई बार क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रूट एल बाई सी। ठीक है, तो वहां पर वो हेनरी है और फिर अपन फेराड है, उसका रूट है, वो निकालते रहते हैं। तो उसकी यूनिट जो है रूट एल बाई सी जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। उसकी यूनिट क्या होगी बताओ? इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम में होती है। तो इसकी यूनिट ओम में होगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज आगे, ट्यून लाइन सॉरी सर्ज इम्पिडेंस का एक्चुअल मतलब निकालते हैं। देखो जरा, अगर मान लीजिए कोई लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, आपने यहां से भेज दिया सेंडिंग एंड वोल्टेज या रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे लोड है और लोड इम्पिडेंस आपके पास है जेड है, और ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस है वो जेड नोड है, मतलब ये सर्ज इम्पिडेंस जो है, यहाँ पर इंडक्टेंस होगा हमारे पास, कैपेसिटेंस होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रूट एल बाई सी, आर जीरो मान लिया तो जेड नॉट कितना आ जाएगा? रूट एल बाई सी आ जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो मैं लोड इम्पिडेंस को किसके बराबर सेलेक्ट कर दूं? जेड नॉट के बराबर। वैसे वी आर क्या होता है बताओ? वी आर होगा जेड एल इंटू आई आर, जेड एल इंटू आई आर। इफ जेड एल इक्वल टू जेड नॉट सेलेक्ट कर लूं तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड नॉट इंटू आई आर। ठीक है, अब हमारे पास वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एस इक्वल टू, एक बात बताइए जरा, ये होता है वी एस इक्वल टू हमारे पास आ गया था ए वी आर प्लस वी आई आर। लॉसलेस लाइन के लिए क्या आया था बताओ? कॉस बीटा है और वी आर प्लस जे जेड नॉट साइन बीटा है। उसमें ध्यान दीजिएगा प्लीज, पिछले वाले कंसेप्ट में करेक्ट कर देना, कॉस हाइपरबोलिक
जे बीटा एल जो होता है ना वो कॉस बीटा एल के बराबर होता है, और साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एल जो होगा वो जे साइन बीटा एल के ये आ जाएगा। ये आप वहां सही कर दीजिएगा। अब यहां पर देखो जरा प्लीज, वी आर इक्वल टू ये आ गया है ना कॉस बीटा एल, वी आर इक्वल टू क्या रख दो मैं बताओ, जेड नॉट आई आर प्लस जे जेड नॉट साइन बीटा एल इंटू आई आर। तो यहां से क्या कॉमन ले लो बताओ, जेड नॉट आई आर कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन ले लो बताओ, जेड नॉट आई आर, ठीक है क्या हो जाएगा बताओ, कॉस बीटा एल प्लस जे साइन बीटा एल, कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा क्या होता है बताओ, ई की पावर आईटा थीटा। तो यहां पर जेड नॉट आई आर क्या है बताओ, वी आर ई की पावर जे बीटा एल। कहने का मतलब ये है, ये तो हमें क्या शो करता है, एंगल शो करता है, मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा बताओ, वी आर। तो हमेशा जो है जैसे भी लेंथ ऑफ लाइन बढ़ती जाएगी हमेशा वी एस कितना रहेगा आपके पास, वी आर के बराबर ही रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा, फिक्स रहेगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, लेंथ कितनी भी हो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, जो भी हमारे पास लाइन का मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, क्या बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। क्वेश्चन ये आता है कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल कब मिलता है हमें, मतलब लेंथ ऑफ लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़े, हमेशा हमारे पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है जो कांस्टेंट रहता है वो तब रहता है जब लोड इंपीडेंस किसके बराबर सेलेक्ट किया जाए, सर्ज इंपीडेंस के बराबर। तो इसको बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, लोड को किसके बराबर कर दिया गया, सर्ज इंपीडेंस पे। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पे आपके पास जितना सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है उतना ही क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, या फिर ऐसे बोलो कि वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में हमेशा क्या मिलता है, हमें फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलता है। समझ में आया क्या कंसेप्ट, लिखिए जरा प्लीज। इतना ही क्या करेंगे फिर उनके बारे में अधूरा रह जाएगा।